नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजा यादव स्काई वर्ल्ड ट्रेनिंग कैंप समस्तीपुर बिहार में आप सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी मैं अपने दूसरे ट्रेनिंग ग्राउंड से लाइव हूं और आप लोग देख सकते हैं ये नज़ारा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास दो ट्रेनिंग ग्राउंड्स अवेलेबल हैं। पहला ग्राउंड जिसमें हम लोग यूजुअली गाड़ी चलवाते हैं, जनरली गाड़ी चलवाते हैं, उसमें कुछ बारिश हुई थी कल, तो उस वजह से वहाँ पे थोड़ा सा कीचड़ आ गया था। तो ये हमारा दूसरा ग्राउंड, और इस दूसरे ग्राउंड में आप लोग देख सकते हैं ट्रेनिंग चल रही है। आप लोगों को पता है माहौल कैसा भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, भीड़ कितना भी हो, हम लोग प्रॉपर ढंग से समुचित ढंग से ट्रेनिंग देने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। प्रॉपर ढंग से यहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है, ट्रेनिंग बाधित नहीं होती है, बच्चों को उनके लक्ष्य तक पहुँचने से कभी भी रोका नहीं जाता है। और इसी के मद्देनजर रखते हुए 15 मई से जो हमारा नेक्स्ट बैच आ रहा है, उस बैच को अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। दुख की बात यह है आप लोगों के लिए, क्योंकि 15 मई के बाद अगला बैच हमारा अब नहीं आने वाला है। 15 मई का बैच जो है इस सेशन का लास्ट बैच होगा। ये जो सेशन अभी चल रहा है, इसके जस्ट बाद आप मानसून आने को है। उसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन्स हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि बिहार में लॉकडाउन चल रहा है, तो रास्ते में आने की समस्या, बहुत सारे कैंडिडेट हमारे सेंटर में आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, लेकिन रास्ते के इशू होने के कारण, गाड़ी नहीं चलने के कारण वो हमारे सेंटर से नहीं जुड़ पाते हैं। तो आप लोग अगर इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लें, क्योंकि 15 मई आप लोग के लिए इस सेशन का लास्ट बैच होगा। फिर नेक्स्ट बैच कब आएगा? अगला नेक्स्ट बैच हमारा तब आएगा जब फिजिकल का डेट आएगा। जब फिजिकल का डेट आएगा उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट बैच आएगा। अभी तक के लिए ये लास्ट बैच होगा 15 मई का बैच। तो जितने भी कैंडिडेट हैं अगर इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 15 मई या 16 मई को जब भी चाहें एडमिशन करा लें, क्योंकि इस बैच के फुल होते ही अब हमारा नेक्स्ट बैच इस सेशन में नहीं आने वाला है। आप लोग सोच रहे होंगे कि 25 तारीख को, 20 तारीख को या 1 जून को जाके फिर से अगर एडमिशन लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आप लोग अगर इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, वर्तमान समय में ट्रेनिंग करना चाहते हैं, कर सकते हैं, किसी तरह का कोई इशू नहीं है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि स्पेशली हमारे ट्रेनिंग सेंटर में स्काई वर्ल्ड ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग करने का ये सुनहरा अवसर है, ये सुनहरा मौका है, क्योंकि जनरली आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ 100-125 का बैच चलता है, 150 का बैच चलता है, लेकिन अभी देख सकते हैं आप लोग मात्र 15-20 का बैच है। उसके अलावा कोरोना तो दिन प्रतिदिन बिहार में बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आने वाले समय में महंगाई बढ़ने के कारण हमारा फी भी बढ़ सकता है। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप लोग के लिए सुनहरा अवसर है, बेहतर समय है, और इस समय सीमा में अगर आप लोग एडमिशन लेते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो किसी तरह का कोई इशू नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं कि अभी वर्तमान समय में कुछ स्टूडेंट जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनसे मैं रूबरू करवाऊंगा आप लोगों को, कितने दिनों से यहाँ पर हैं, कैसे कैसे उन्होंने ट्रेनिंग किया, कैसा उनका यहाँ का अनुभव रहा, किस ढंग से गाड़ी निकालते हैं, आप लोग स्टूडेंट की जुबान ही सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं खास कैंडिडेट जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर में अभी वर्तमान समय में ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ लोगों से मैं आप लोगों को रूबरू करवाऊंगा, जिनमें से एक ये बहुत ही खास, नाम आपका? हरिओम कुमार। हरिओम कुमार किस जिला से बिलोंग करते हैं? बेगूसराय से। मैंने सुना है कि आज आपने गाड़ी काफी अच्छे ढंग से निकाला, किस तरह से गाड़ी निकाला है आपने आज? जी आज हमको जो है घर जाना था, 2 शिफ्ट बताया, 1 ही शिफ्ट हम चलाए, 6 राउंड 2 गाड़ी यानी 12 राउंड, 12 बार 48 से 50 सेकंड, कभी 48 कभी 50 लगता था। यानी कि आपने कौन कौन गाड़ी कौन कौन चलाया? स्कॉर्पियो और बोलेरो। बोलेरो 12 बार चलाया और 12 बार लगातार 3 गियर। जी सर, मिनट के अंदर जी। आप लोग सुन सकते हैं, आप लोग गवाह हैं क्या इस बात के? कुछ लोग हैं इसमें से, देखे थे इनको चलाते हुए? देखिए लोग गवाह हैं, लगातार गाड़ी आपने चलाया और स्कॉर्पियो बोलेरो 3 गियर में मिनट के अंदर लगातार। अच्छा, कितना दिन से ट्रेनिंग कर रहे हैं? 6 महीना से? नहीं, 8 दिन से। 8 दिन से? 8 दिन में कितना अटेंडेंस लगा है आपका? 8 दिन में लगभग 16 लग गया। 16 अटेंडेंस लगा, पर डे का 2 अटेंडेंस लग रहा था, जो कि अभी कोरोना काल है तो लोग चाहते हैं कि कम से कम समय में मेरा काम हो जाए। तो इसी के मद्देनजर हमारे पास गाड़ी और ग्राउंड सभी कुछ अवेलेबल है, सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो पर डे डबल अटेंडेंस करके ट्रेनिंग दी गई, और पर डे डबल अटेंडेंस करके 16 दिन का कोर्स इनको 8 दिन में कराया गया, और रिजल्ट आपके सामने है। अभी इनका गाड़ी इन्होंने 12 राउंड चलाया स्कॉर्पियो और बोलेरो को लगातार 3 गियर में निकाला है। इंटरव्यू का क्लास वगैरह कैसा चला? बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा चला, संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट। तो आपका 8 दिन में अभी, जिसे टोटल तो 25 हाजिरी का कोर्स था, 16 हाजिरी लगा चुके हैं, इस तरह से अगर चलता तो 12-13 दिन में आपका 25 हाजिरी हो जाता। 12-13 दिन का आपका 18,200 रुपया लगा। लग रहा है कि पैसा पानी में चल गया? नहीं सर, हमको पैसा सफल हो गया, जायज है। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि सर 13 दिन का 18,000 लीजिएगा, 12 दिन का लीजिएगा अगर डबल अटेंडेंस लग गया, दिन का नहीं अटेंडेंस का। हमको लग रहा है कि हम संतुष्ट हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम निकाल लेंगे। बेगूसराय जिला में कहां घर पड़ता है? बेगूसराय जिला में सूजा। सूजा प्रखंड कौन सा है? बेगूसराय प्रखंड से है। चलिए नेक्स्ट कैंडिडेट की तरफ चलते हैं। आपका नाम क्या है? सिंधु कुमारी। सिंधु कुमारी किस जिले से हैं? जमुई जिले से। कितने दिन से ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ पे? लगभग 12 दिन। 12 दिन से गाड़ी निकल रहा है? हाँ। कैसे निकाल रहे हैं गाड़ी आप? मतलब 3 गियर में भी निकाल ले रहे हैं मिनट के अंदर, और 5 गियर में भी। कौन कौन सी गाड़ी चलाती है यहाँ पे आप? चलाए स्विफ्ट, चलाए स्कॉर्पियो, बोलेरो और
छोटी वाली जो डिजायर टाइप का। अच्छा इंडिगो। हाँ। जिप्सी चलाए? हाँ जिप्सी। वीडियो में जितना गाड़ी यहाँ दिखाया गया उसमें से लगभग गाड़ी तो आपने चलाया होगा? हाँ, सभी चलाए। चलाने का अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा। अच्छा लगता है कि जॉब होगा? हाँ, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है। इंटरव्यू का क्लास जो दिया जाता है समझ में आता है पूरी तरह से? बहुत अच्छा। क्योंकि लोग कहते हैं कि लड़की के लिए ड्राइविंग थोड़ा टफ होता है, वाकई में टफ होता है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद आपको टफ लगा या आसान लगा? बहुत आसान लगा। बहुत आसान लगा। कर पाइएगा रिजल्ट आराम से? चलिए, और भी कैंडिडेट हैं, आप सुपौल जिले से है ना? और भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं, आप अपना जिला बताइएगा। रोहतास जिला। रोहतास जिला से? रोहतास में कहाँ से हैं? मलियाबाग। मलियाबाग। आपका नाम? अनिल कुमार। किस जिले से हैं? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। आप टोपी वाले? रंजीत सिंह या तो बक्सर। आवाज इतने हैं आप में? नहीं। किस जिले से हैं? बक्सर। और आप? वैशाली जिले। वैशाली जिला। आप तो हैं पहले से भी, कहाँ से, किस जिले से? और आप? मास्क वाले? समस्तीपुर जिले से। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग जिले के कैंडिडेट अभी यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगर आप लोग भी ट्रेनिंग करना चाहते हैं और विलंब इस ट्रेनिंग सेंटर से जुड़ सकते हैं। ये बैच 15 मई वाला बैच इस सेशन का लास्ट बैच होने वाला है। अगर आप लोग इस बैच को ज्वाइन नहीं कर पाए नुकसान में रहिएगा, निसंदेह नुकसान में रहिएगा। रिजल्ट करना चाहते हैं, अपने सफर को जारी रखना चाहते हैं, बिहार पुलिस ड्राइवर बनना चाहते हैं, बेशक इस बैच को ज्वाइन करें। आपके बेहतर भविष्य के लिए हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।